सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पेपल का अकाउंट बनाना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, डिस्कॉर्ड पे डीएम आ रहा था और व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों ने भेजा था कि मतलब पेपल में ईमेल कैसे ऐड करें, पेपल में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो मैं डायरेक्ट पेपल के बेस से ही आपको पूरा शॉर्ट आउट करते चलता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको खोल लेना है paypal.com वेबसाइट। तो चलो मैं आपको शो कर देता हूँ, क्रोम पे ओपन करना अपना, ठीक है। ओपन करते ही आपको यहाँ पे कर लेना अपना डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट जैसे यहाँ पे रहता है, इधर ना थ्री लाइंस पे जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट रहता है, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे टाइप करते ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप फॉर फ्री। तो चलो साइन अप फॉर फ्री पर टाइप करते हैं। साइन अप फॉर फ्री के टाइप करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलता है, इंडिविजुअल अकाउंट और एक मिलता है बिजनेस अकाउंट, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, इंडिविजुअल अकाउंट उन्हीं के लिए है जिससे आपसे पेमेंट सेंड कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका फ्रेंड अगर 100 रुपये मांग रहा है तो ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, तो आप सिर्फ 100 रुपये इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन ये आपको अगर ट्रांसफ़र करेगा तो आप रिसीव नहीं करोगे। अगर ये आपको 100 रुपये देगा तो आप रिसीव नहीं करोगे, ये पैसा वापस इसी के पास चल जाएगा अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चूज़ करते हो बिज़नेस अकाउंट पे चूज़ करने पे क्या होगा कि आप और आपका दोस्त, आप भी इसको 100 रुपये भेज सकते हो और ये भी आपको 100 रुपये भेज सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होगा। तो चलो बिज़नेस अकाउंट को यहाँ क्लिक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पे टैप कर लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है ये दो ऑप्शन पे आपको करना क्या है, तो सबसे पहले ऊपर क्लिक करना और इसमें सेकंड वाले पे क्लिक कर देना, मतलब आपको ईमेल पे पेमेंट रिसीव करना है और लिंक पे। तो यहाँ पे क्लिक कर दो और फिर आएगा माई एनुअल सेल्स वॉल्यूम, मतलब आप एक साल में कितना पैसा रिसीव कर सकते हो, कितना सेंड कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा ट्रिविया रिलेटेड सेकंड पे करो। अगर आपका बिजनेस है ज़्यादा ग्रोन बिजनेस है तो यहाँ तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, आप कितना का साल भर में कर लोगे वो आप सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे ये कर लो सेकंड पे, फिर कर लो यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप। अब नेक्स्ट पे टैप करते हैं तो यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपको अपना ईमेल डालने का ऑप्शन। ईमेल डालने का ऑप्शन पे आपको करना क्या है, आपको अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है। वेट, ये शो कर रहा है, एक्चुअली मैंने इसको पहले ही डाला था। तो चलो मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, चलो मैंने कोई भी एक डिफ़ॉल्ट सा डाल दिया। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड थोड़ा ना अलग सा बनाना है। किस तरह से बनाना है चलो मैं आपको शो करने के साथ ही आपको बताता हूँ। तो ऐसे बनाना है, एक अपर केस, फिर बाकी लोअर, ठीक है, फिर बाकी लोअर जैसे मैंने रख लिया, फिर एट द रेट और फिर डॉलर, मतलब ये दो सिंबल होना चाहिए, और फिर जो आपका है 345 जो है आपका वो कर दो। फिर यहाँ पे कर लो सबमिट और आपके पास अब आएगा बिजनेस टाइप सेलेक्ट करने का। बिजनेस टाइप सेलेक्ट करने में आपको करना क्या है, आपको अदर कॉरपोरेट बॉडीज़ में क्लिक कर देना है। अदर कॉरपोरेट बॉडीज़ करने के बाद अब चलो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट वाइज आपको मैं शो करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आया तो यहाँ पे बिजनेस टाइप में आपको कर लेना है अदर कॉरपोरेट बॉडी सेलेक्ट। अब आता है यहाँ पे प्रोडक्ट एंड कीवर्ड सर्च करने का। तो प्रोडक्ट एंड कीवर्ड कैसे सर्च करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टैप करना है int, जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पर आपको फिफ्थ पोजीशन पे आपको एक दिख रहा होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको आएगा पर्पस कोड सेलेक्ट करने का। तो पर्पस कोड को आपको ऊपर करते जाना है और जैसे ही आपको पर्सनल दिखेगा उस पर करना है। जैसे पर्सनल कल्चरल एंड रिक्रिएशन सर्विस में इंटरटेनमेंट सर्विस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इंटरटेनमेंट सर्विस, इस पर हमको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे पैन नंबर इनपुट कर लो और उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कब आपका शॉप हुआ। तो अगर आप ट्रिविया रिलेटेड अगर बना रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आपका ओरिजिनल शॉप है या फिर कुछ है ओल्ड है तो आप वो इनपुट यहाँ कर सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ, जैसे ट्रिविया रिलेटेड में आपको ऐसे करना है ना कि बिज़नेस जो है आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स होना चाहिए बिज़नेस का, मतलब 5 साल से जमा हुआ बिजनेस होना चाहिए, जिस इसके बाद आपका पेपाल जो है वो अप्रूव करेगा। तो यहाँ पे ये सब इनपुट कर देना। चलो फिर मैं स्क्रीनशॉट्स आपको शो करता हूँ।
देख लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट किया तो एटलीस्ट अभी अगर 2021 चल रहा है तो 6 ईयर्स यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इनपुट कर लो आपका जो बिज़नेस का डेट है, फिर कंट्री यहाँ सेलेक्टेड होगा इंडिया, अगर आप कोई और कंट्री हो तो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर आता है यहाँ पे आपको ये सेकंड पेपाल करके ऑप्शन, इसमें क्या करना है, इसमें आपको ना अपना नेम डालना है। जैसे कि अगर कोई यूज़र आपका फ्रेंड अगर आपको पे करेगा तो जैसे आपका फ्रेंड अगर आपको पे करेगा तो आपका जो नेम है ना वही नेम यहाँ पे शो होगा, तो वही नेम को आपको इनपुट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना चैनल का नाम यहाँ डाल दिया, और फिर ये ऑप्शनल है, नीचे जो बिज़नेस यूआरएल है ये ऑप्शनल है, इसमें कुछ मत फिल आउट करना, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको ये ऑप्शन हो, आपको ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम ये सब फाइंड करने वाला। चलो मैं आपको डायरेक्ट शो कर देता हूँ यहाँ पे। चलो एक्चुअली मैंने पैन कार्ड वो इनपुट किया था, वो फेक पैन कार्ड था, तो अभी फिर वो फेक पैन कार्ड अनदर निकल जाएगा, तो वो रहने दो। जैसे ही फिर आपको ना यहाँ पे बिजनेस ओनर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपका अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम ऑप्शनल है, जैसे कि अगर आपका जैसे है राम कुमार है तो फर्स्ट नेम आप राम डाल दो और लीगल सर नेम आप डाल दो कुमार, ठीक है। मिडिल नेम में कुछ नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता। फिर आपका नेशनलिटी इंडिया है, जो कंट्री आप सेलेक्ट कर लो। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ फिल आउट करना है, और फिर यहाँ पे आपको अपना बिजनेस एड्रेस डालना है, ठीक है। बिजनेस एड्रेस ये जैसे इनपुट कर लोगे, अपना पिन कोड, फिर एड्रेस लाइन, और जो टाउन है और जो स्टेट है आपका, वो स्टेट आपको इनपुट कर लेना है। तो जैसे देख लो यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे आपको मिल जाएगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बिजनेस एड्रेस का, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन लीगल नेम, आपका जो बिजनेस का नेम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका कुछ भी आप जैसे नाम रख लो, जैसे आपका जो ओरिजिनल नेम है ना वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जो आपका नेम है ना वो यहाँ डालना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, और प्राइमरी करेंसी आपको $ ही रहने देना है, ठीक है। बाद में आप करेंसी ऐड कर सकते हो, वो कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे $ कर लो, और फिर अगर आपका होम एड्रेस अलग है बिजनेस एड्रेस से तो आप होम एड्रेस इनपुट कर लो, नहीं तो ये डायरेक्ट टिक मार्क कर लो, जो होम एड्रेस है वही बिजनेस एड्रेस हो जाएगा। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, ये आप कर लो, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या होगा, फिर चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने ये फिल आउट कर लिया था, ठीक है, ये सब मैंने फिल आउट कर लिया। अब उसके बाद ना आपको ये ऑप्शन आएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको ना एक पूछेगा, ये फर्स्ट वाला जो है पूछेगा कि क्या आपका कंपनी जो है वो 50% और ज़्यादा ना इनकम करती है इंटरेस्ट रेंट या रॉयल्टी से कुछ से भी, तो आपको यहाँ पे कर देना है पिकआउट नो, ठीक है, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा काटने लग जाते हैं। और फिर यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा कि क्या आपका कंपनी जो है वो 50% और उससे ज़्यादा जो है वो शेयर मार्केट्स या फिर बॉन्ड्स पे डिपेंड है, तो आपको इस पे कर देना है नो, ठीक है। नो करने के बाद आपको ये चीज़ आएगा, सर्टिफाई एंड सबमिट इन्फॉर्मेशन फॉर, आपका जो नाम होगा वो वहाँ पे आ जाएगा, जो मैंने नेम इनपुट किया वो मेरा यहाँ आया, तो देख सकते हो ये सर्टिफाइड होगा, जो टैक्सेस रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो यहाँ होंगी। और 30 डेज़ में जो आप ईमेल डालोगे, 30 डेज़ के अंडर में पेपाल आपको ना मेल करेगा, तो आप चेक करते रहना उसको, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको कर देना है सर्टिफाई एंड सबमिट, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बोला था, यहाँ पे भी एग्री एंड कंटिन्यू आपको करना है। एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर सर्टिफाई एंड सबमिट क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो चलो अब डायरेक्ट होते हैं हम लोग क्रोम पे। अब देखो गाइज, हम लोग क्रोम पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपका पेपाल बैलेंस डॉलर में शो होगा, सब कुछ होगा। तो पासवर्ड यहाँ पे हम लोग अपना सेव आउट कर लेते हैं। तो देख लो, मनी इज़ मनी आउट टोटल सेंट, आपका समझ लो अकाउंट जो है वो टोटली रेडी है, लेकिन टोटली नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट रेडी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मनी रिसीव करने के लिए ये चीज़ कंप्लीट करना होगा। तो इसको कैसे कैसे करना है, तो चलो आपको मैं शो करता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाता है, प्लीज़ प्रोवाइड योर GST रजिस्ट्रेशन टू अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे जैसे आप सी डिटेल्स पे क्लिक करोगे, तो
तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये सब का भी इनपुट क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू, बाय बाय।